स्वागत है बच्चों आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। पिछली क्लास में हम सीख रहे थे फ से शुरू होकर के बनने वाले शब्द और औ से शुरू होकर के बनने वाले शब्द। आज उसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं औ की मात्रा से बनने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनमें औ की मात्रा का यूज होता है। औ की मात्रा को कैसे लिखते हैं, वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि सभी बच्चे हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं और ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी की ऑनलाइन क्लासें लगातार ले रहे हैं, तो उन सबको हमने बहुत पहले सिखा दिया कि मात्राएं कौन सी होती हैं, किस तरह से होती हैं। तो उसमें एक मात्रा होती है औ की मात्रा। तो ऐसी मात्रा जो होती है वो कौन कौन से शब्दों में यूज होती है, जैसे हम जनरल वर्डों से ही बात करेंगे, ऐसे बहुत से वर्ड जो हम घर पे देखते रहते हैं, हमारे आसपास भी। हम सब्जी खाते हैं लौकी की, तो उसको अगर शुद्ध रूप में हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, लौकी। लिख करके मैं आपको बताऊं, एक बार ये लिखिए, औ की मात्रा वाले शब्द। ये नीचे औ की मात्रा मैंने बता दिया आपको, इससे बनने वाले जो शब्द हैं, इसको यूज करके बनने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोला जैसे लौकी। अब इस शब्द में आप देखिए ल लिखा हुआ है ना, सबसे पहले ल के अंदर जो मात्रा है वो कौन सी है, सेम ऐसी नहीं है क्या जो मैंने ऊपर बताई, सेम ऐसी मात्रा है, तो इसको कहते हैं औ की मात्रा। तो ये इसमें जब जुड़ गई तो ये क्या बना, लौकी। क के अंदर बड़ी की मात्रा, ल के अंदर औ की मात्रा, लौकी। तो इसी तरह के और भी शब्द, कौवा हम कह सकते हैं, कौवा, वो उसके अंदर भी क्या हो रहा है, मौसा, मौसी, बहुत सारे शब्द हैं जिनके अंदर औ की मात्रा का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हमें छांट छांट करके लिखना है। तो हमने लौकी लिखा है, इसको टुकड़ों में बांट के भी लिख सकते हैं, लौ की, लौकी। इसी तरह से एक और शब्द मैंने अभी बोला था ना, उसको लिख लेते हैं टुकड़ों में, मौसा, मौसा। इसके अलावा और भी आप शब्द कह सकते हो, पौधा, क्या वर्ड बना, पौधा, पौधा, पौधा। फिर और देखिए, अभी मैंने आपको बोल करके बताया कौवा, कौवा, लौकी, मौसा, पौधा, कौवा, और भी बहुत सारे शब्द हैं आप घर पे बैठे बैठे, कचौड़ी, कचौड़ी खाई है ना आपने, उसको भी लिख सकते हैं आप, कचौड़ी। इसके अंदर भी देखिए, यहाँ पे च के अंदर कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है, तो हम औ की मात्रा वाले शब्द ही तो सीख रहे हैं, कचौड़ी, क्या वर्ड बना, कचौड़ी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम पूछते हैं कौन, 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 बाहर कौन है, वो कौन, कौन था, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है कौन। कई बार हम बोलते हैं कौन तो वो करेक्ट नहीं है, कौन, कौन करके बोलेंगे, कै में औ की मात्रा तो कौन, लौकी, मौसा, पौधा, कौवा, कचौड़ी, कौन, ये सारी चीजें। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, चौदह, चौदह भी आप लिख सकते हैं, एक बार ये नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद कुछ एक आध शब्द और हम इससे बनने वाले या इसको यूज करके जो बनाए जाते हैं उनके बारे में हम और बात करेंगे।
इसके अलावा आप कह सकते हो, जैसे कई बच्चों के नाम भी होते हैं ना, रौनक, रौ न के रौनक, इसी तरह से मैंने अभी काउंटिंग में बताया था आपको, चौदह, चौदह है, चौदह। ये सारे वर्ड ऐसे थे जिनके अंदर औ की मात्रा का यूज हुआ है, और भी बहुत सारे शब्द है, मैं आपको लिखवाने लगूं तो पूरा बोर्ड हम इसके औ से बनने वाले या इसका यूज करके बनने वाले शब्दों से भर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। जो हमने लिखवाया है वो आप नोट डाउन करिए, उनको रीड करिए, और उसके बाद कुछ एक शब्द अपने आप ढूंढ करके लिखिए, घर पे मम्मी से, पापा से, अपने जो एल्डर है ना सब, उनसे हेल्प लो, अपने छोटे भाई बहन है आप उनसे ही पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमसे छोटों को भी हमसे कुछ अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप घर में सबसे बात करेंगे और फिर उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये औ से बनने वाले शब्द हमने देखे और औ की मात्रा से बनने वाले शब्द भी हमने देख लिए। अब इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आप ये रीडर के अंदर ये वाला पेज ओपन करिए, मैं आपको बताता हूँ कि होमवर्क किस तरह से अभी और करना है। ये वाला पेज ओपन करके रखिए, ये चैप्टर वाला पेज था, ये वाला जो पेज है ना वो ओपन करिए। अभी छ फ औ वर्ण तथा औ की मात्रा वाले वर्णों को के खंडों में रंग भरें। आपको एक काइट बनाया हुआ दिख रहा होगा, इस काइट के अंदर आपको देखना है कि इन सब में से छ, फ, औ और औ की मात्रा वाले शब्द कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, आप उनमें छांटेंगे और उनमें रंग भरेंगे। मैं एक काइट आपको बोर्ड पे बना करके समझा देता हूँ कि आपको रंग भरना किस तरह से है, देखना एक बार। जैसे मान लीजिए हमारी बुक के अंदर इस तरह से करके काइट बनाया हुआ है, अभी तो क्या है मकर संक्रांति पे बहुत अच्छे अच्छे काइट आपको मिले होंगे, आपने इस काइट के अंदर उनको बहुत अच्छे से उड़ाया होगा। इस तरह से काइट बने हुए हैं, इसमें ये हमने चार खंड बना लिए, 1, 2, 3 और 4। अब इसके अंदर लेटर भरे हुए हैं, जैसे मान लीजिए चे खे डे और फे, ये एक काइट बना हुआ है आपके बहुत सारे काइट्स में से, तो मैंने ये बोर्ड पे बना दिया मान लीजिए। अब क्या कह रहा है, छ फ औ वर्ण तथा औ की मात्रा वाले वर्णों के खंडों में रंग भरना है, यानी कि हमें ये चार टुकड़ों में जो बटा हुआ काइट है उसको देखना है ध्यान से, फिर हम देखेंगे कि इनमें से या तो फे लिखा हुआ हो किसी में, या छ लिखा हुआ हो किसी में, या फिर औ लिखा हुआ हो, या फिर औ की मात्रा लगी हुई हो। तो इस तरह का कौन सा शब्द दिख रहा है, चे इसमें नहीं भरना, खे वाले में नहीं भरना, डे वाले में कलर नहीं भरना, फे वाले में भरना है, तो इस पूरे को हम कलर कर देंगे। चाहे अपना ये लेटर है ना, इसके ऊपर भी कलर कर देना है भले ही, लेकिन आप इसको इस तरह से फिल कर देंगे, ठीक है ना। ये तरीका आपको यूज करना है सारे जो काइट बने हुए हैं उनके लिए। फिर नीचे देखिए, सुने और बोलें, इनको केवल आपको रीड करना है, राइट नहीं करना है। फल, छतरी, औरत, कौवा, छपाक, गौरव, बिछौना, फाटक, मौसम, औलाद, ये इस तरह के शब्द हैं जिनमें फ का यूज हुआ है, छह का यूज हुआ है, औ का यूज हुआ है, और औ की मात्रा का भी यूज हुआ है, और ऐसे ही और भी शब्द हैं कई,
तो इन सबको आपको रीड करके देखना है कि क्या आप इनको अच्छे से रीड कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं इसका मतलब आपने पुरानी क्लासें देख ली और आज की क्लास भी ध्यान से देख रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप शैतानी ज़्यादा कर रहे हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो वापस से सारे वीडियोस ढंग से देख लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है रीड करना तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वीडियोज़ को अच्छे तरीके से नहीं देखा और वो गलत बात है। अच्छे बच्चे हमेशा जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको अच्छे से करते हैं, रीड भी करते हैं, राइट भी करते हैं। तो आपने अगर नहीं किया है तो अच्छे बच्चे बन जाएंगे, यानी कि वापस से सारे वीडियो देखेंगे और इनको रीड करके सुनाएंगे, मम्मी पापा को सुनाएंगे। जब मेरे पास यहाँ ऑफलाइन क्लासों में आप आ जाएंगे तो मेरे को पढ़ के सुनाएंगे, है ना। पढ़ें और बोलें, नीचे इसी तरह से आपको केवल पढ़ना है और बोलना है। फलाहार, औजार, छपरा, छाता, जहाज, खरबूजा, तराजू, ठाकुर, झरना, कलकल, करता है, नानी लेकर आई फल, नौका में बैठी है मौसी। इस तरह से आपको इनको रीड करना है। अगला देखिए, ये वाला पेज ओपन करिए, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। इस वाले पेज में, ये वाला जो पेज है ना, इसमें आपको छः जो है वो इनकम्प्लीट दिखा हुआ है। जहाँ पे आपको छः इनकम्प्लीट लग रहा है उसको कम्प्लीट करिए, और नीचे वाले जो ब्लैंक बने हुए हैं ना, इन लाइनों में आप ये वाला वर्ड, ऊपर लिखा हुआ है छः, तो इन तीनों लाइनों के अंदर छः लिखेंगे। नीचे वाले में फ लिखा हुआ है तो इन तीनों में फ लिखेंगे। इसके नीचे वाले वर्ड जो हैं उनमें आपको क्या करना है, जो सेम ऊपर लिखा हुआ है ना औ की मात्रा, उसी को यहाँ पे राइट कर देना है। नीचे भी जो वर्ड दिए हुए हैं, रतन अब घर चल, तो सेम की सेम उनको कॉपी कर रही है नीचे, रतन अब घर चल। फिर अगला है नानी और मौसी आई, सेम को कॉपी करते चलिए। फौजी चाचा भी आए, रानी ने बिछोना बिछाया। इन सब को आप बोल करके और राइट भी करेंगे और पेंसिल यूज करेंगे, बुक के अंदर पेन यूज नहीं करेगा कोई भी बच्चा। अगले पेज पे छ फ ओ वर्णों और औ की मात्रा से नए शब्द बनाए। जैसे कि मैंने आपको बनाना सिखाया, उसी तरह से कुछ नया आप भी बना करके देखेंगे कि छः से कौन से शब्द बनेंगे, फ से कौन से बनेंगे, औ से कौन से बनेंगे और औ की मात्रा से कौन से नए शब्द हम बना सकते हैं। फिर इसके अलावा पेंसिल घुमाएं और रंग भरें, इसमें कलर करना है। वैक्स वाले कलर जो हैं वो यूज करेंगे, पेंसिल कलर यूज करेंगे, स्केच वाले कलर यूज नहीं करेंगे, और इसको कलर करेंगे सबको। ये अलग अलग फ्रूट्स हैं, देखिए जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा बनाना लाइक शेप, पपाया लाइक शेप, एप्पल लाइक शेप, तो ये सारी इनकी आकृति दिख रही है। देखो ये बनाना की तरह दिख रहा है ना, तो इनको अलग अलग कलर में, जैसे बनाना को आप येलो से कर सकते हैं, पपाया को आप ग्रीन से या फिर येलो से कर सकते हैं कलर, एप्पल को आप कर सकते हैं डार्क ग्रे से, ये ग्रेप्स है तो इसको अलग कलर से, तो इस तरह से आप कलर करेंगे इनको, है ना। ये इससे नेक्स्ट वाला पेज केवल आपके पढ़ने के लिए है, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं, आप भी घर पे इसको पढ़ेंगे। देश की सेवा, कौन करेगा देश की सेवा, हम भाई हम, कौन चलेगा सच्चा रास्ता, हम भाई हम, कौन बोलेगा मीठी भाषा, हम भाई हम, कौन बनेगा अच्छा बच्चा, हम भाई हम। ये कविता है देश की सेवा करके के नाम से। इसके अंदर सबसे लास्ट में जो लाइन है वो क्या है, कौन बनेगा अच्छा बच्चा, तो आपका आंसर होना चाहिए हम भाई हम बनेंगे अच्छे बच्चे। और अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, जो सुबह उठते ही अपनी मम्मी को, पापा को, घर में जो भी बड़े हैं उनको नमस्कार करते हैं, उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा सबका कहा मानते हैं, होमवर्क जो आता है वो टाइम पे करते हैं, जो वीडियो आपको दिखाया जाता है उसका होमवर्क आप हाथों हाथ देख करके कर लेते हैं। ऐसे बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं। घर में बड़ों को सताते नहीं है, दादाजी को हेल्प करते हैं, दादाजी के पास बैठते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो हमें सबको अच्छे बच्चे बनना है, तो प्रॉमिस मी कि
कि आप सब भी अच्छे वाले बच्चे बनोगे। और जब आप ऑनलाइन क्लास ख़त्म होने के बाद, जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी हमारी और जब हमारे पास आओगे, तो आप बहुत अच्छे अच्छे से बहुत अच्छे बच्चे बन करके आओगे। तो आज की क्लास में इतना ही है, होमवर्क आप कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी बच्चे स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।